हेलो, कृष्ण बायो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बायोडोज, जो बायो कंपनी का दवा है, फसलों में यूज़ करता है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा फसलों में यूज़ कर सकता है और कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकता है फसलों का, क्या काम करता है, इसका डोज कितना फसलों में बायोडोज का देना है, पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा कब करना है और इसका रिजल्ट कितना दिन के अंतर मिलता है, इसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, लगभग ए टू जेड इस वीडियो में बात करेंगे बायोडोज कीटनाशक के बारे में। किशन भाई, बायोडोज जो एक साई ग्रीस कंपनी का कीटनाशक है जो बेहतरीन काम करता है फसलों को, अभी बात करेंगे कौन कौन सा फसलों में आप बायोडोज कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे तुराई का फसलों में, मिर्च का फसलों में, टमाटर का फसलों में, लौकी कोदो का फसलों में, करेला का फसलों में, परवल का फसलों में, इसके अलावा जैसे जीरा का फसलों में, प्याज लहसुन का फसलों में, इसके अलावा जैसे टोबाको कपास धान का फसल में, लगभग सब्जी वर्गीय फसलों में, फलों में यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन काम भी करता है बायोडोज जो मैग्नम फसलों में कीटों का कंट्रोल करने के लिए। बात करेंगे बायोडोज जो मैग्नम जो कीटनाशक है साई ग्रीस कंपनी का फसलों का कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे बॉलम इंसेक्ट, पिंक बॉलम इंसेक्ट, इसके अलावा जैसे लीफ माइनर जो इंसेक्ट आता है फसलों में उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूट बोरर इंसेक्ट, जैसे फूलों का अंदर भी जो इंसेक्ट आता है उसको भी फिनिश कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फलों में जैसे इंसेक्ट आ जाता है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं बायोडोज कीटनाशक स्प्रे करके फसलों में। किशन भाई, बायोडोज जैसा कौन कौन सा फसल में बेहतरीन काम करता है अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे लौकी, कोदो, करेला, टमाटर, भाईघन, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी का फसलों में क्या होता है, फल चौदक जो इंसेक्ट आता है फ्रूट बोरर इंसेक्ट, और फूल में जो इंसेक्ट होता है फसल आने के पहले जो फूल में अंदर जो इंसेक्ट होता है और फसल मिलने के बाद जो फलों का अंदर जो इंसेक्ट होता है बेहतरीन काम करता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोडोज कीटनाशक। और बायोडोज कीटनाशक का डोज के बारे में हमें बात करेंगे। कोई भी सब्जी वर्ग के फसलों में बायोडोज का सही डोज होना चाहिए, इसमें क्या होता है बेहतरीन काम भी करता है। बायोडोज का जो डोज होता है लगभग 20 ml 15 L पानी में घुलकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 100 ml आप लगभग 80 से 90 ml जैसे 5 L पानियों में घुलकर स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन काम भी करता है कीटों को कंट्रोल करने के लिए। आई बात करेंगे बायोडोज जो कीटनाशक है उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। किसान भाई, बायोडोज जो कीटनाशक है इसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जो एक बायो कंपनी का कीटनाशक है और बेहतरीन काम भी करता है। बायो का साथ कोई भी केमिकल जो इंसेक्टिसाइड होता है उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, इसलिए क्या करना है बायोडोज आप फसलों में स्प्रे करना है, काम भी बेहतरीन करता है। इसके अलावा जैसे दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना है, काम इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। और बायोडोज जो फसलों में स्प्रे करता है इसका अलावा जैसे रिजल्ट कब मिलता है अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप सब्जी वर्ग के फसलों में बायोडोज स्प्रे करता है लगभग 10 days का अंदर उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 15 days का अंतर आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे सब जो लॉन्ग टाइम जो वेजिटेबल आता है उसमें तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फल छेदक, तना छेदक, फूल का अंदर जो इंसेक्ट रहता है कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन काम भी करता है। किशन भाई, जब आप कोई मिर्च का फसल, टमाटर का फसल करता है तो इसमें क्या आता है फल चौदक जो इंसेक्ट बेहतरीन आता है, और क्या होता है फसल ख़राब हो जाता है, चिली का और टमाटर का फसल ख़राब हो जाता है। इसीलिए क्या करना है आपको, तो कोई भी एग्री शॉप से आप जो पेस्टिसाइड आता है बायो कंपनी का बायोडोज स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बेहतरीन काम भी करता है मिर्च का फल चौदक, टमाटर का फल चौदक जो इंसेक्ट आता है इसको कंट्रोल करने के लिए। किशन भाई, इस वीडियो में जो बायोडोज कीटनाशक के बारे में ए टू जेड बात किया था, उसका डोज कितना देना है, कौन कौन सा फसल हमें स्प्रे करना है, उसका दूसरा कोई कीटनाशक के साथ एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, लगभग ए टू जेड बात किया था। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा टॉपिक में आप वीडियो चाहता है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।